सो हेलो सर, कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया होंगे एंड मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे स्काईलॉट की तरह वीडियो बना सकते हैं। तो बिना देर देर के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना, हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार वीडियो को। देखो यार, मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ेगा, पर मतलब मैंने यार बहुत दिनों से जो है वीडियो बना रहा था, मतलब रिडीम कोड्स के बारे में, पर मेरे को वन साइडेड हेट मिल रहा था, तो इसलिए मेरे को बहुत ही मतलब दिल से बुरा लगा। इसलिए यार मैंने वीडियो कुछ दिनों तक नहीं भी डाला, और दुर्गा पूजा भी था तो मेरे घर में भी दुर्गा पूजा हुआ था, तो वो भी एक प्रॉब्लम था, तो इसलिए मतलब वीडियो नहीं आ पा रहा था वन वीक से। तो देख सकते हो, इसलिए मैंने ये वाला भी वीडियो मतलब लाया है आप लोग के लिए। प्लीज़ यार सपोर्ट करना वीडियो को एंड हेट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यार हेट देने से थोड़ा यार दिल से बुरा लगता है, क्योंकि यार मैं भी इंसान हूँ यार, आपकी तरह मैं भी इंसान हूँ, मैं भी खाता हूँ, मैं भी पीता हूँ, तो इसलिए यार हेट कभी मत करना, क्योंकि आज अगर आप दूसरों को हेट मिले मतलब दोगे ना, तो कभी मतलब ऐसा होगा कि आपको भी हेट मिलना शुरू हो जाएगा, तब आपको एहसास होगा कि यार हेट मतलब होता गया है, ठीक है ना। तो देख सकते हो यार, मैंने आपको मतलब भावना को सिखा दिया है। अगर आपको भावना को, मेरे भावना अगर आपने सीख लिया है, तो यार दिल से शुक्रिया। तो अभी टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। आपको बनना है स्काईलॉट, तो आप लोग करोगे क्या? उसके साथ लोगो बनाओगे, उसके साथ बैनर बनाओगे, और साथ ही साथ उसके साथ इंट्रो भी बनाओगे, उसके तरह आउट्रो इंट्रो सब कुछ बना दोगे, पर क्या आप उससे स्काईलॉट बनाओ? देखो यार, मैं तुमको एक बात बता दूँ, मतलब क्लियर कर लेता हूँ एक बात, कि यार बैनर लोगो ये सब बनाने से कोई भी बंदा स्काईलॉट नहीं बन जाता। आपको पता है कि नहीं? मुझे पता नहीं, पर मेरे को पता है कि यार जब भी मतलब स्काईलॉट अपना इंट्रो देता है, तो वहाँ पे लिखा होता है कि यार ऑडियंस से ही स्काईलॉट बनता है, खुद को स्काईलॉट कभी मत बनाना। एंड आई होप मेरे को, मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ यार एकदम अच्छे से देखना, क्योंकि यार मैंने बहुत ट्राई किया आप लोग को समझाने के लिए। तो प्लीज़ यार इसका तरह यार एक लाइक तो यार बनता है, लाइक कर लेना, ठीक है। मैंने आपको बोल रहा है कि यार कैसे क्या मतलब स्काईलॉट नहीं बनता, अभी मैं बताता हूँ कि स्काईलॉट की तरह वीडियो कैसे बना दे। सो अगर आपको स्काईलॉट बनना है, तो यार आपको हमेशा सच्चाई का साथ देना पड़ेगा। ये नहीं कि यार स्काईलॉट कुछ भी करेगा, आप भी कुछ भी करोगे, क्योंकि देखो कोई भी बंदा सही या गलत नहीं होता, ठीक है ना। मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार सब लोग गलत होते हैं, कोई लोग अच्छे होते हैं, मतलब उसको मतलब पहचानने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी स्काईलॉट को देखने के बाद आप लोग ये मत सोचना कि वो इतना ही सच्चा है दिल का, मतलब आप लोग जानते नहीं हो ना कि यार वो कैसा है, बस बिकॉज गाइस आप उसके वीडियो देखते हो, कि ये मतलब नहीं है कि यार वो अच्छा है, हम लोग को नहीं पता वो कैसा है, पर आपको अपने दिल से अच्छे से सच्चे से वीडियो बनाना है। अभी आपको टॉपिक कहाँ से मिलेगा, टॉपिक कहाँ से मिलेगा, अभी टॉपिक कहाँ से मिलेगा, मतलब कि यार जो भी बंदे मतलब मुश्किल में है, जैसे कि किसका स्कैम हो गया, किसका आईडी हैक हो, किसका चैनल हैक हो गया, तो यार उनको मतलब उसका एक्सपोजर बनाओ, उसको रोस्ट करो, उसको वो करो ये करो, जैसे यार स्काईलॉट बनाता है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, एंड आया है तो यार शेयर कर देना सब लोगों के साथ, क्योंकि सबको यार ऐसा वीडियोस पसंद आता है। तो मैंने आपको बोल दिया ये सब, एंड ये सब बोलने से ये मतलब नहीं कि यार मैं सबसे अच्छा हूँ, मतलब कि देखो मेरे को पता है मैं कैसा हूँ, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं कभी भी बुरा हूँ, कभी भी अच्छा हूँ, तो मेरे को मालूम है मैं कैसा हूँ। तो आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, एंड उसके ऊपर ही आपको वीडियो बनाना पड़ेगा। अभी देखो यार, ये जो टाइटन स्कार का जो ये लफड़ा चल रहा है ना, इसके ऊपर वीडियो बनाओ, ठीक है ना। वीडियो बनाओ, सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा, ठीक है ना। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, एंड कोई भी बंदा अगर आपको बुरे से कहेगा, तो यार मैं उसको खुल के बता दूँगा, ठीक है ना। तो यार कमेंट डाउन, ठीक है ना, कमेंट करके बताना कि आपको कौन मतलब ऐसे बुरा तरीके से बोल रहा है, कौन आपको ऐसे कर रहा है, तो ये सब बोलना, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, ठीक है ना। एंड आई होप सबको मतलब समझ में आ गया होगा। एंड गाइस सर, बोलना कैसे है, मतलब आपको वॉइस ओवर कैसे करना है? गाइस सर, वॉइस ओवर आपको खुद से करना है, क्योंकि यार मैं नहीं बोलूँगा कैसे करना है आपका, अगर मैं ही सब बोलूँगा तो आप लोग क्या करोगे यार, इसलिए बोल रहा हूँ खुद से।